तो इस तरह के डिजाइन के लिए मैंने ये टी शर्ट ली है। आप भी कोई भी ब्रांड टी शर्ट ले सकते हो। इस टी शर्ट की लेंथ है 26 इंच। अब मैं नीचे से 5 इंच पर इसकी कटिंग कर लूंगी। तो नीचे से मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने 5 इंच की ये पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी को साइड से भी कट कर लिया है। अब मैं इस पट्टी की 3 स्ट्राइप्स कट करूंगी, दो डोरी के लिए और एक टॉप में अटैच करने के लिए। तो इस तरह से मैंने दो निशान लगाए हैं, एक 2 इंच पर और दो 1.5 इंच पर। अब मैं इसी तरह लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने तीनों पट्टियों को कट कर लिया है। जो हमारी 2 इंच की पट्टी है वो एक साइड से फोल्ड है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे और जो 1.5 वाली पट्टी है उसको भी इस तरह फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए दोनों में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों स्ट्राइप्स में सिलाई लगा ली है। डोरी के लिए मैंने एक ही पट्टी यूज की है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। अगर आपको लंबी पट्टी चाहिए तो आप दोनों पट्टी का यूज कर सकते हो, पर मैं इसी तरह की एक ही पट्टी यूज करूंगी। और जो 2 इंच की पट्टी थी उसको मैं टॉप के सेंटर में लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने टॉप का सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इस 2 इंच वाली पट्टी को इस तरह सेंटर में रखते हुए जैसे जैसे हमने चौक का निशान लगाया है वैसे वैसे हम सेंटर में इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉप को नीचे से फोल्ड कर लूंगी, उसके बाद सेंटर में स्ट्राइप्स जोड़ूंगी। तो इस तरह से मैंने टॉप को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं आगे वाले पल्ले को इस तरह से लेते हुए इसमें ये पट्टी अटैच कर दूंगी इस तरह से। जैसे जैसे मैंने चौक का निशान लगाया है वैसे वैसे अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब मैं नीचे से इस तरह पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से इस पट्टी को मैंने सेंटर में अटैच कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं इस लाइन के इस तरफ 1/2 इंच छोड़कर एक और सिलाई लगा लूंगी और इस लाइन के इस तरफ 1/2 इंच छोड़कर इसमें भी सिलाई लगा लूंगी। अब मैं लाइन के इस तरफ भी 1/2 इंच छोड़कर एक और सिलाई लगा लूंगी।
तरह मैंने इस पट्टी को टॉप में अटैच कर लिया है। एक सिलाई मैंने इस तरह सेंटर में लगाई थी और एक सिलाई मैंने इस तरफ लगाई है हाफ इंच छोड़कर, और एक सिलाई मैंने इस तरफ लगाई है हाफ इंच छोड़कर, इस तरह से। और इस डोरी को मैंने बीच से कट कर लिया है। अब मैं एक डोरी को इस तरफ डालूंगी और एक डोरी को इस तरफ डालूंगी। तो इस तरह मैंने एक साइड ये डोरी डाल ली है। अब मैं दूसरी साइड भी ये डोरी डाल लूंगी। तो इस तरह से इस पट्टी के अंदर मैंने दोनों डोरियों को डाल लिया है। अब मैं इस तरह इस पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लूंगी। आप चाहो तो इस डोरी को नीचे खींचते हुए इसमें इसी तरह से सिलाई भी लगा सकते हो, या इस डोरी को इस तरह फोल्ड करते हुए भी। अब मैं इस डोरी को इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें डबल सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉप कंप्लीट हो गया है। बैक से ये कुछ इस तरह से आया है और फ्रंट से ये कुछ इस तरह से आया है। तो आप भी इस तरह से कोई भी पुराने टॉप को स्टाइलिश बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।